हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम लिब्रा राइटर पर पेज सेटअप वाला काम कर सकते हैं। पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं, रूलर की साइज जो इंच में आती है उसको सेंटीमीटर में या किसी और फॉर्मेट में बदलना हो तो उसको कैसे बदल सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हेडर और फुटर की साइज जब काफी बड़ी हो जाती है, जैसे हेडर हम जो जैसे ही हम लिब्रा जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, मैंने ओपन किया इसको, तो यहाँ पर हमें आना है राइटर डॉक्यूमेंट के, जो लिखा हुआ यहाँ आना है, क्लिक करिए तो ये ओपन हो गया। तो अभी देख सकते हैं ये जो है कर्सर हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है हेडर हमें लिखने के लिए बोलता है। हेडर अलग चीज है, हम चाहते हैं कि हम यहां से लिखें, यहां से ये जो कर्सर आपको दिख रहा है यहां से हम लिखना चाहते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए रूलर आपको सेट करना होगा। रूलर सेट करने के लिए हो सकता है कि आपको ये साइड वाला हॉरिजॉन्टल बार ना, वर्टिकल बार और ये हॉरिजॉन्टल बार ना दिख रहा हो, तो आपको जाना है व्यू में। ये व्यू दिख रहा है आपको, यहाँ व्यू पे क्लिक करिएगा आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रूलर्स ऑप्शन शो हो रहा होगा तो रूलर्स ऑप्शन पे जाइएगा। शॉर्टकट की होती है रूलर्स की कंट्रोल शिफ्ट आर अगर राइट करना है तो, और वर्टिकल रूलर्स भी चाहिए तो यहाँ पे आपको करना है टिक। अगर अनटिक कर देते हैं, जैसे मैंने अनटिक कर दिया, पहले से टिक किया हुआ था, इसको अनटिक कर दिया तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो है अनटिक है अभी, तो अभी आपको साइड में यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये स्क्रॉल बार लेके आना है, तो कैसे लाएंगे, व्यू पे जाएंगे, ठीक है। और व्यू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रूलर्स पे आना है, और रूलर्स पे आने के बाद ये जो वर्टिकल रूलर है ये तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा ही, ठीक है। अगर नहीं डिस्प्ले होता है तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबा करके आप डिस्प्ले कर लीजिए इसको, ठीक है। और अगर वर्टिकल रूलर नहीं डिस्प्ले होता है तो यहाँ पे आपको करना है टिक। तो ये देखिए वर्टिकल रूलर भी डिस्प्ले होने लगा। अभी हम चाहते हैं कि ये हमारा जो कर्सर है वो यहां से लिखना शुरू करे, तो हमें क्या करना है, ये जो रूलर है इसको उठाना है और ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है, ठीक है। तो यहां पर हमने कर दिया, तो अभी देखिए यहां से लिखना शुरू हो गया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये जो कर्सर है और थोड़ा इधर आए, यानी लेफ्ट के साइड आ जाए, तो आपको यहां से रूलर को पकड़ना है और यहां पे कर दीजिए आप। अब यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आइए समझते हैं कि ये जो अभी इंचेस में दिख रहा है इसको हम चेंज करेंगे, यानी कि हम चाहते हैं सेंटीमीटर या किसी और फॉर्मेट में हो जाए, तो कैसे ये करेंगे हम, तो बहुत ही इजी है। एमएस वर्ड में तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत इसलिए है क्योंकि नई चीज है। अब हमको फॉर्मेट पे जाना है, ठीक है, और क्या फॉर्मेट करना है हमें, पेज को फॉर्मेटिंग करना है, तो यहां से हम पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स डिस्प्ले होगा, अब यहां से हम पेज की एरिया जैसे एमएस वर्ड में आता था ना लेफ्ट राइट मार्जिन, वो यहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पेज का लेआउट क्या है, राइट लेफ्ट लेआउट होता है, ठीक है। यहां से टॉप में जो जगह है वो देखिए रिड्यूस हो चुकी है, लेफ्ट और राइट में काफी जगह है, तो आप यहां से इसको जगह को कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मार्जिन जो है रिड्यूस हो जाएगी, ओके किया हमने, तो ये देखिए ये कर्सर जो है हमारा यहां आ गया, पहले ये इधर आ रहा था, ठीक है। अभी फिर चलते हैं फॉर्मेट पे, पेज, ठीक है। अभी हमने लेफ्ट की मार्जिन रिड्यूस की, अब मैं राइट की मार्जिन रिड्यूस करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमने राइट की मार्जिन भी रिड्यूस कर डाली, ठीक है। तो अब हम जैसे ही यहां से मूव करते हुए इधर की तरफ बढ़ेंगे या कुछ लिखेंगे तो ये लास्ट तक लिखता जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसकी साइज जो है अभी देखिए इंचेस में आ रही है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ऑप्शन पे गए और यहां से लिब्रे ऑफिस राइटर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको जाना है जनरल ऑप्शन पे, इट्स ओके। और आपको क्या करना है, जनरल ऑप्शन पे जाना है, ये जनरल ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। और यहां इंच दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस इंच को मिलीमीटर में चेंज करना चाहता हूं तो ये हो गया मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट में रखना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, यहाँ पे तमाम फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो कोई भी फॉर्मेट आप रख सकते हैं। जैसे अभी मैं सेंटीमीटर में करता हूं इसको और यहां से ओके प्रेस करता हूं, तो ये चीज जो इंच में दिखाई पड़ रही थी अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिखाई पड़ने लगी, इसके पहले इंच में दिखाई पड़ रही थी। तो ये हम कहां से जाएंगे, हमको जाना है टूल्स पे, टूल्स के बाद ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, और यहां से जनरल ऑप्शन जो है लिब्रा ऑफिस राइटर आपको चूज करना होगा पहले। ये लिब्रा ऑफिस राइटर जैसे ही चूज करेंगे आप तो ये इसमें एक जनरल ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये जनरल ऑप्शन पे जब चूज करेंगे तो ये बॉक्स जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर था, ठीक है, इसके पहले क्या आ रहा था,
इसके पहले आ रहा था मिलीमीटर, तो मैं मिलीमीटर अगर इसको करता हूं या इंच आ रहा था तो इंच में कर देता हूं, तो यहां से ओके प्रेस करूंगा तो फिर ये इंच में शो होने लगेगा। देखिए इंच में शो हो रहा है।